नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। महाराष्ट्र की सियासत अब और भी ज्यादा गर्माती हुई दिखाई दे रही है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे अपनी सत्ता गंवा चुके हैं, वहीं नई सरकार बनी है बीजेपी के समर्थन से। 29 जून की रात शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने ऐलान कर दिया कि वह मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे रहे हैं और 30 जून के दिन उन्हीं की पार्टी के विधायक रहे एकनाथ तो शिंदे ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की। डिप्टी सीएम बनाए गए देवेंद्र फडणवीस। इस वक्त देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे मिलकर कई अहम फैसले ले रहे हैं, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार अब तक नहीं किया गया है। दावा किया जा रहा है कि 21 जुलाई के दिन मंत्रिमंडल के विस्तार पर ऐलान किया जा सकता है। और इस बीच देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे के निशाने पर बने हुए हैं। जैसा कि हमने आपको बताया बीती पिछली रिपोर्ट में कि शिवसेना ने निशाना साध दिया, जब मुखपत्र में उन्होंने एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को लेकर बात कही कि अब तक मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों नहीं किया गया है। लगभग 15 दिन हो चुके हैं सरकार को बने हुए, लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं किया गया है। इसको लेकर इस वक्त ठाकरे गुट लगातार शिंदे गुट पर निशाना साध रहा है और साथ ही साथ बीजेपी पर भी। लेकिन इसी बीच डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस नागपुर पहुंचे हैं और संघ हेडक्वार्टर पहुंचे हैं देवेंद्र फडणवीस। वहीं एकनाथ शिंदे को लेकर दावे किए जा रहे हैं कि वह आज दिल्ली दौरे पर हैं। आगे की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के अगले क्या कुछ फैसले हैं। देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक के बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अब एक और बड़ा फैसला लिया है। जी हाँ, जैसा कि हमने आपको बताया कि डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस नागपुर के संघ हेडक्वार्टर पहुंचे हैं, जहां पर देवेंद्र फडणवीस सर संघ चालक मोहन भागवत से मुलाकात किए हैं। मोहन भागवत से महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने क्यों मुलाकात की है, इसके पीछे की वजह अब तक सामने नहीं आई है। लेकिन चर्चा ये हो रही है कि तकरीबन 45 मिनट तक दोनों के बीच बातचीत हुई है और इस मुलाकात में क्या कुछ अहम फैसले लिए गए हैं, इस पर अब तक कोई भी खुलासा नहीं हुआ है। वहीं दूसरी ही तरफ आपको बता दें कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट की एक अहम बैठक हुई और इसमें शिवसेना के 12 सांसद ऑनलाइन माध्यम से शामिल हो चुके हैं। ऐसे में देखा जाए तो उद्धव ठाकरे के गुट को छोड़ने का फैसला कर लिया है सांसदों ने। वहीं इसी बीच शिंदे गुट जो विधायकों के अयोग्य ठहराने के मामले की सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का इंतजार कर रहा है और इसी बीच एकनाथ शिंदे दिल्ली का दौरा करने वाले हैं। अब यहाँ पर कयास लगाना शुरू हो गया है। अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि सीएम एकनाथ शिंदे के साथ वे 12 सांसद भी रहेंगे जो उद्धव कैंप छोड़ने का आज ऐलान करने वाले हैं। जी हाँ, आज 19 जुलाई को दिल्ली की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सांसद उद्धव गुट को छोड़ने की अनाउंसमेंट कर सकते हैं। एकनाथ शिंदे ने लोकसभा में राहुल शेवाले को पार्टी नेता नियुक्त किया और भावना गवली चीफ व्हिप नियुक्त की गई हैं। ऐसे में लोकसभा अध्यक्ष को लेकर इस संबंध में पत्र भी सौंपने वाले हैं। तो दिल्ली का दौरा इस वजह से खास है एकनाथ शिंदे के लिए और जल्द ही वह सांसदों के साथ बैठक कर सकते हैं। इस तरह से देखा जाए तो उद्धव ठाकरे के गुट को बेहद बड़ा झटका लगा है। जिस तरीके से अब एक साथ 12 सांसद उनका साथ छोड़ने के लिए ऐलान करने वाले हैं, जहां एक तरफ उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे ने पूरा जोर लगाया अपनी शिवसेना को बचाने के लिए, वहीं आदित्य ठाकरे भी पूरी कोशिशों में जुटे हुए हैं। बावजूद इसके शिवसेना का यहां पर दूसरा गुट एकनाथ शिंदे का गुट मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप सभी ने देखा जाना इस रिपोर्ट के जरिए कि जो नई सरकार बनी है, नई सरकार के क्या कुछ फैसले हैं, क्या वाकई में यहाँ पर उद्धव ठाकरे जिस तरीके से निशाना साध रहे हैं नई सरकार पर, क्या यहाँ पर नई सरकार खरी उतरती हुई नजर आएगी, ये वक्त के साथ ही पता चलेगा। इस रिपोर्ट में इतना ही, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़।